कुछ दो तीन लोग हैं, चार लोग हैं जो मिलकर के एक संस्था उन्होंने बनाई है। 790 रुपया सिलाई कढ़ाई के नाम पर लेते हैं और 2000 के वापसी के चेक उनको वापस के लिए दे देते हैं, ना चेक उनके क्लियर होते हैं और पैसे लेकर के वो 32,000 महिलाओं से आगरा में पैसे लेकर के भाग गई है वो संस्था। ऐसा नहीं है कि इन छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो, इन छात्रों के खिलाफ आगरा के कई थानों में मुकदमा दर्ज है। थाना सदर में 2 मुकदमे दर्ज हैं, हरी पर्वत में 2 मुकदमे दर्ज हैं, मलपुरा में 1 दर्ज है, सिकंदरा में 1 और थाना ताजगढ़ में भी 1 मुकदमा दर्ज है। लेकिन तमाम मुकदमे दर्ज होने के बाद भी इन छात्रों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई पैसे न दे रहे हैं। हम लोगों ने FIR दर्ज कराई है लेकिन पुलिस पीड़ितों को परेशान कर रही है। और हाँ, मुकदमे दर्ज हुए और एक आगरा का आरोपी है, उसको ना पकड़ने में इच्छा जता रहे हैं बिल्कुल भी। यशवंत सिंह करके कोई, यशवंत शर्मा है। आगरा में सदर थाने में 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं, हरी पर्वत में 2 दर्ज हुए हैं, मलपुरा में हुए हैं, इसी प्रकार सिकंदरा में हैं ऐसे दर्ज हुए हैं, ताजगंज में भी हुए हैं। महिलाओं को ठगी का शिकार बनाने वाले ठग फरार चल रहे हैं, एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पहुंच जाते हैं और वहां पर भी सार्थक संस्था बनाकर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। महिलाओं का कहना है कि उनके करोड़ों रुपए डूब गए हैं लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा आरोपी धमका रहे हैं। आरोपियों पर आरोप लगा है कि वे कार्रवाई नहीं करने के लिए धमकाते रहते हैं। बरेली में चल रहा था और हम लोग 3 महीने से बराबर बता रहे हैं कि सर बरेली में अभी भी चल रहा है और इनको पकड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने कोई छानबीन नहीं की, ना कोई पता किया, बल्कि हम लोगों के घर आके छानबीन करते रहे। जब SSP सर से 2-3 बार मिल के गए, उन्होंने जोर डाला तो पुलिस वालों ने ये भी नहीं देखा कि फाइल में क्या क्या लगा है, उनके नाम एड्रेस सब नामालूम आधे घंटे के अंदर एप्लीकेशन लिख दी। तो ये कहा था कि मैम आप टीचर बनती हैं और अपने अंडर में 20-25 स्टूडेंट बनाती हैं और उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का प्रशिक्षण देती हैं, तो आपको संस्था की तरफ से 3 महीने की सैलरी मिलेगी और इस प्रत्येक छात्रा को 790 रुपए 2 किस्तों में जमा करने पड़ेंगे, 410 और 380। जी भैया, हम 3 महीने से घूम रहे हैं लेकिन हमें हमारी सफलता में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस कुछ ही नहीं दिखाई दे रहा। और जो हाँ पैसा मांगती है जो टीचर आसपास की है वो जीना दुखपात कर रही है, घर से बाहर निकलना हमारा मुश्किल हो गया है। इस बार भी SSP ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है लेकिन पीड़ित लोगों को भरोसा नहीं है कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। यही वजह थी कि SSP के आश्वासन के बाद भी काफी देर तक पीड़ित लोग SSP कार्यालय के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर अरुण अग्नोत्री की है, दूसरी अमित राजपूत की, तीसरी यशवंत शर्मा की और चौथी आकाश सक्सेना की है। ये लोग सार्थक सोशल वेलफेयर सोसाइटी चलाते थे और इसी नाम पर ये लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, खास तौर से इनके टारगेट पर महिलाएं रहती थी। ऐसा बताया जाता है कि करीब आगरा से 2.5 करोड़ के आसपास की इन्होंने ठगी की है। इनका नेटवर्क आगरा ही नहीं दूसरे जिले में भी फैला हुआ है, आगरा के तमाम सारे थानों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पीड़ित तो लगातार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं लेकिन हर बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जबकि तमाम सारे थानों में मुकदमा दर्ज है। इन सब के बावजूद इन ठगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये लोग बेहद परेशान है और न्याय की गुहार लगाने के लिए तमाम बार SSP कार्यालय पर दस्तक दे चुके हैं। देखना होगा कि इन लोगों के साथ कब तक और कितना न्याय होता है और ठग कब तक शिकंजे में पहुंचते हैं। अपने साथी दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा। बरहन के पूर्व प्रधान पर दबंग